हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कटारिया सिस्टर्स। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वेलवेट का एक खूबसूरत सा पाकिस्तानी लुक में कुर्ता। तो उसके लिए मैंने वेलवेट का कपड़ा यूज़ किया है और इसका लुक कुछ इस तरीके से होने वाला है। वी नेक लाइन के साथ अम्ब्रेला लूज स्लीव्स, और इस पर कैरी किया है मैंने ये ऑर्गेन्जा का रेडीमेड दुपट्टा। सबसे पहले मैंने लिया है माइक्रो वेलवेट का 2.5 मीटर कपड़ा, और इसके साथ ये मैंने एक वेलवेट की ही लेस ली है, और इसके साथ मैं ये गोल्डन लेस जो कि ट्रायंगल शेप में है वो यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने ली है 3.5 मीटर दोनों, और इसके साथ ये मैंने पैंट के लिए ग्लेज कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है, ये मैंने 2 मीटर यूज़ किया है। और साथ में मैंने ये बना बनाया सीक्वेंस के बॉर्डर के साथ ही ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया है, जिसको मैंने लेमन कलर में डाई करवा लिया है। सबसे पहले कट करेंगे इसकी स्लीव्स। जितनी भी आपको स्लीव्स लॉन्ग रखनी है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, और जितनी भी आपको नीचे से मोहरी बनानी है आप कितनी भी लूज़ बना सकते हैं, उससे हम एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और इसको हम नीचे से स्ट्रेट कट कर देंगे। ऊपर से हम सिंपल तरीके से इसके आर्म होल को कट करेंगे 3.5 इंच गोलाई करते हुए, जैसे नॉर्मली हम बाकी स्लीव्स का कट करते हैं। और यहाँ से मैंने दी है फिटिंग की तरफ से इसको हल्का सा कर्व शेप दे दी है, और जैसे हम नॉर्मल कुर्ता बनाते हैं वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। और नेक लाइन जितनी आपको डीप और जितनी आपको चौड़ी चाहिए वैसे ही हम वी नेक लाइन इस पर कट कर लेंगे। वी नेक लाइन पे आप चाहें तो फ्यूज़ पेपर यूज़ कर सकते हैं, बट बुकरम की का यूज़ ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, क्योंकि इस पे हम लेस भी अटैच करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने वी नेक लाइन कट कर ली है, मैंने इसको तिरछा किया है 8 इंच मैंने इसको कट किया है। और बाद में इस पे क्या करना है, हमें वी शेप की यहाँ पर छोटा सा स्लिट बनाना है, और इस किनारे पर या तो सिलाई लगानी है या फिर इसको सिंपल इस तरीके से हमें मोड़ देना है। वेलवेट के फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे फर होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो दोनों तरफ से हम किनारे को राइट साइड इस तरीके से मोड़ देंगे। अब इसके बाद मैंने ये बॉर्डर लिया है, बॉर्डर को मैंने हल्का सा ट्रिम कर दिया है, मैंने इसकी थोड़ी सी चौड़ाई कम कर दी है। अब इसको वी नेक लाइन पर रखते हुए इस पर सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। वी शेप पे हम लेस को दूसरी तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे, जो बीच में ये जॉइंट दिखेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और दूसरी तरफ भी इसको इसी तरीके से हम सिलाई लगाते हुए वी नेक लाइन पे अटैच कर देंगे। लेस को टर्न करते टाइम इसमें जो एक्स्ट्रा हिस्सा लेस का अंदर आ गया है उसको हम कट कर देंगे, और बिल्कुल हल्का सा मोड़ने के लिए छोड़ना है। और दूसरे किनारे को मोड़ते हुए जो हमने ट्रायंगल वाली शेप की ये लेस ली थी उसको नीचे रखते हुए इस पर सिलाई लगाते जाना है। बाहर वाली वी शेप पे हम इसी तरीके से ट्रायंगुलर जो ये लेस है उसको अटैच कर देंगे। आप चाहे तो पहले पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर सकते हैं, फिर इस पर सिलाई लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने बॉर्डर काफ़ी थिक लिया है तो इसके बीच में भी मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ, नहीं तो ये बीच में से उठ जाएगा। और जो बीच वाला हमारा वी शेप पे जो जॉइंट आया था उस पर भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो इस पर बारीक बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। और बिना बुकरम के ये देखिए काफ़ी सिंपल तरीके से हमारी वी नेक लाइन रेडी हो गई है। बाजू के आगे भी मैंने इसी तरीके से बॉर्डर लगाया है, बट यहाँ पे मैंने इसको ट्रिम नहीं किया है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक, सिंपल कुर्ती की तरह मैंने इसको स्टिच कर लिया है, और आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।